हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IAS PSC सॉल्यूशन में। देखिए, 64वीं BPSC के लिए स्पेशल हमारा आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज का ये हमारा 10वां लेक्चर है। 9 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो भी इस सीरीज में हमारा प्रश्न सेलेक्ट किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक एक प्रश्न के ऊपर एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा किया गया है ताकि किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल उस प्रश्न को मिस नहीं करें। तो इस वीडियो में हम लोग गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं और गांधी युग से 2 से 3 लेक्चर, लगभग 3 लेक्चर हमारा और आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। 1915 के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, लगभग यहाँ से उम्मीद है कि 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। और देखिए, हमारे वीडियो का खास बात ये होती है कि एक एक प्रश्न के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन देते चलता हूँ, ओके। और देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु। शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी एग्जाम से संबंधित कुछ भी आपके मन में डाउट हो, तो आप फेसबुक पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं यहाँ पे आपसे बातें जरूर करूँगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आपसे। अब देखिए, PDF जो है आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में ये मिल जाएगा, इस वीडियो का PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, वह कौन सा देवबंद छात्र विद्वान था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया? देवबंद छात्र विद्वान कौन थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था? देखिए, इनका नाम है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा लीडर थे अबुल कलाम आजाद। अब देखिए, देवबंद जो है एक जगह का नाम है, देवबंद उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है और यहीं पे एक कस्बा है, एक गांव है देवबंद, ओके। तो ये आपको याद रखनी है। और देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत किसने किया था ये भी पूछा जा सकता है। इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो मोहम्मद कासिम, ओके, याद रखिएगा इनका नाम, मोहम्मद कासिम और कासिम ननैतवी इनका पूरा नाम था, और रसीद अहमद गंगोही, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। देवबंद आंदोलन की शुरुआत जो है वो इन्होंने ही की थी, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, पूना पैक्ट पर किसने जो है वो हस्ताक्षर किया था? देखिए, इसका सही आंसर है गांधी जी और अंबेडकर ने, गांधी और अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बता दूं, पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर, डेट आप याद रखेंगे, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। डेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मॉडर्न हिस्ट्री में। अब देखिए, इस समझौता, ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते के तहत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व, मतलब कि अलग अलग प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया था इन्होंने। तो ये भी आपको याद रखनी है, हो सकता है इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, पूना पैक्ट में इनमें से कौन सी बातें हुई थी, ओके, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और देखिए, हरिजन के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ा करके 147 कर दिया गया था, हरिजनों के लिए 75 से 147 किया गया था, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, अपना पहला सत्याग्रह जो है वो किसके विरुद्ध इन्होंने स्टार्ट किया था? देखिए, इसका सही आंसर है मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध इन्होंने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने। अब देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो है वो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह रंग भेद के खिलाफ चलाया था गांधी जी ने। भारत में पहला जो सत्याग्रह था इनका वो था 1917 में चंपारण बिहार में, ओके। तो ये भी आपको याद रखनी है। इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भी एक सत्याग्रह चलाया था जिसको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है।
तो और यहीं पे देखिए गांधी जी से संबंधित बहुत सारी चीज़ जो है आपको याद रखनी है। यहीं पर इन्होंने अपना पहला भूख हड़ताल भी किया था अहमदाबाद में ही, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं, जनवरी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। इलाहाबाद का नाम बदल करके कर दिया गया है प्रयागराज, लेकिन अभी जो है वो इलाहाबाद ही हिस्ट्री में आपको मिलेगा। ओके, अध्यक्ष जो थे वो थे इसके अध्यक्ष थे सी आर दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता इनमें से कौन थे? देखिए इसका सही जो आंसर है वो है पट्टाभि सीता रमैया। देखिए यहाँ से प्रश्न कई कई बार जो है वो पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में 1939 ईस्वी में जो त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे वो थे पट्टाभि सीता रमैया, लेकिन इनको जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया था। तो गांधी जी ने इसमें यह कहा था, इस समय इन्होंने कहा था कि ये पट्टाभि सीता रमैया की हार नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत हार है। इसी अधिवेशन में इन्होंने कहा था, त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? असहयोग आंदोलन के समय जो है वो विदेशी कपड़ों को जलाया गया, इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। ठीक है, तो इसको जो विदेशी कपड़े हैं उसको जलाया जा रहा था, तो इसको एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। किसने ये कहा था? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था, तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और देखिए टैगोर की एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। ओके, गीतांजलि टैगोर की पुस्तक है, और इसी पुस्तक के लिए जो है, इसी पुस्तक के कारण इनको जो है वो 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 ईस्वी में इसी पुस्तक के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी शांति निकेतन। ओके, याद रखिए शांति निकेतन, शांति निकेतन विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। बाद में ये जो विद्यालय है आगे चल करके विश्व भारती नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इसी का नाम जो है वो चेंज किया गया शांति निकेतन का। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के पास जो है वो साबरमती के किनारे एक आश्रम इन्होंने बनाया था, इस आश्रम को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साबरमती आश्रम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहीं से ये जो है वो सत्याग्रह चलाते थे, अपना आंदोलन चलाते थे गांधी जी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता में हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन समझौता जो है इसमें हस्ताक्षरित होने में कौन है जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये है तेज बहादुर सपरू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और देखिए गांधी इरविन समझौता से कांग्रेस भी काफ़ी खपा थी। ओके, कांग्रेस में भी काफ़ी नाराजगी थी इसको लेकर के, गांधी इरविन समझौता को लेकर के। और ये जो है इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता को। और यह समझौता जो है वो 5 मार्च, डेट आप याद रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नाराज थे इससे।
इन्होंने बहुत ही कड़ी आलोचना की थी गांधी इरविन समझौते की। देखिए क्यों ये लोग जो है वो इसकी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी युवा जो क्रांतिकारी नेता थे जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये जो थे इनको फांसी से नहीं बचा पाए थे गांधी जी, इसीलिए जो है वो ये लोग खपा थे, कांग्रेस के लोग भी इनसे खपा थे। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च जो है वो कहाँ से आरंभ हुआ था? ये हुआ था अहमदाबाद से, 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ये स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद 6 अप्रैल को ये लोग दांडी पहुँच कर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ये जो है दांडी अभी कहाँ पे है? ये गुजरात में है दांडी। अब देखिए उन्होंने अपने साथ 78 अनुयायियों को ये ले गए थे, इनके साथ टोटल 78 और लोग थे गांधी जी के साथ, तो ये भी आपको याद रखनी है, हो सकता है इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? भारतीय फकीर किसने कहा है महात्मा गांधी जी को? ये कहा है विंस्टन चर्चिल ने। चर्चिल जो है इसने महात्मा गांधी जी को फकीर कहा था। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ये भी आता है कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था गांधी जी को? तो ये कहा था फ्रैंक, इसका नाम है फ्रैंक मोरेस ने अर्धनग्न फकीर कहा था गांधी जी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था हिस्ट्री में, इतिहास में? देखिए इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था उसी दिन राष्ट्रीय शोक जो है पूरे देश में मनाया गया था। और बंगाल विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है वो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, वह कौन सा आंदोलन था जिसमें कृषक एवं छात्रों, मतलब कि किसान और स्टूडेंट, इन्होंने एक साथ भाग लिया था? ये दोनों किसान और स्टूडेंट दोनों लोग जो है सम्मिलित रूप से एक साथ ये लोग भाग लिए थे, कौन कौन से आंदोलन में? पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी किसान और छात्र दोनों लोग शामिल थे? ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है असहयोग आंदोलन, इसमें भी ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भी किसान और स्टूडेंट ये लोग शामिल थे संयुक्त रूप से। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सभी सविनय अवज्ञा करो या मरो, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह क्या था? देखिए महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दिया था और ये उपाधि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। इस उपाधि का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। केसर ए हिंद गांधी जी को उपाधि दिया गया था, इसे इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था गांधी जी ने। अब देखिए जब क्यों जो है इनको दिया गया था, गांधी जी को क्यों ये उपाधि दिया गया था केसर ए हिंद की उपाधि? देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें गांधी जी ने युवकों को, जो भी भारतीय युवक थे, इनको सेना में भर्ती के लिए इन्होंने प्रेरित किया था। तो इसीलिए जो है वो अंग्रेजी सरकार इनसे, गांधी जी से खुश होकर के इनको जो है वो ये उपाधि दिया था, कैसर है हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने इनको दिया था। ओके तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, 1930 से 1932 तक लंदन में हुए तीन गोलमेज सम्मेलनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने किस किस सम्मेलन में भाग लिया था? एक बार सिर्फ गांधी जी तीनों में से एक गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में हुआ, इसके बाद दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ।
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गांधी जी किसमें भाग लिए थे, ओके, और कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है, पिछले बार भी बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था प्री में, ओके। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल दूसरे में, यानी कि 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अब देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो किसने किया था, इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो किया था एनी बेसेंट ने, ओके, एनी बेसेंट ने। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है एनी बेसेंट से कि एनी बेसेंट ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में इन्होंने भाग लिया था, और भारत के मात्र एक ही व्यक्ति बी आर अम्बेडकर जो थे ये तीनों, हाँ बी आर अम्बेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था, ओके। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सबसे पहले किसने कहा है, ये कहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये सब स्टैटिक जीके हैं, ओके, स्टैटिक जीके टाइप का प्रश्न है, ये ज़्यादातर बिहार एसएससी में पूछा जाएगा, बीपीएससी में इस टाइप का नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1911 ईस्वी में घटित हुई थी? 1911 में इनमें से कौन कौन सी घटना है जो घटित हुई है, चलिए एक एक करके पढ़ता हूँ प्रश्न को। पहला है बंगाल का विभाजन रद्द किया जाना, बंगाल विभाजन जो है वो रद्द किया गया था 1911 में, क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। इसके बाद है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में किया गया था, क्या ये ठीक है? ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है असम का एक प्रांत के रूप में गठन, असम जो है वो एक प्रांत के रूप में इसका गठन हुआ था 1911 में, ये गलत है। चलिए एक क्वेश्चन इससे मैं आपसे पूछता हूँ, असम जो है एक प्रांत के रूप में इसका गठन कब हुआ था, कब हुआ था ये आप कमेंट में बताइए। बिहार और उड़ीसा का बंगाल से अलग किया जाना 1911 में इसकी घोषणा की गई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक ए बी और डी ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, मेन कारण क्या था, क्यों जो है ये स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण इसे स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। और देखिए क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन जो है ये कब प्रस्तुत किया गया था, 30 मार्च 1942 को। इसके बाद है 31 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में से इनमें से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? गांधी इरविन समझौता, सॉरी, गांधी इरविन समझौता जो है वो 31 मार्च 1931 को हुआ। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो समाविष्ट नहीं है इसमें, चलिए एक एक करके सबसे पहले इसको पढ़ता हूँ कौन सही है और कौन गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाएगा, गांधी इरविन समझौते के तहत ये करार किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा है इसको रोक दिया जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये कहा गया कि सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे, सभी जो भी राजनीतिक बंदी हैं इनको मुक्त कर दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, देखिए ये ठीक नहीं है, ओके, ये गलत है, ऑप्शन सी जो है वो गलत है। इसके बाद है वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, जो वायसराय काउंसिल है इसमें भारतीय सदस्य जो है मेंबर, भारतीय मेंबर की संख्या जो है नंबर मेंबर इंडियन वो बढ़ा दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए बी और डी ये ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये ठीक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी बात समाविष्ट
नहीं थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे, गांधी इरविन समझौता में कहा गया था, लेकिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को ये नहीं किया गया था, जो कि ये लोग भी बंदी थे, तो इनको जो है वो मुक्त नहीं किया गया था इसमें। तो इसी से कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ये सब लोग जो है वो नाराज थे गांधी इरविन समझौते से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया? सत्याग्रह का भारत में पहली बार यूज जो है वो इन्होंने कहाँ पे किया है, गांधी जी ने ये किया है चंपारण में। स्टार्टिंग वीडियो में ही मैंने बताया था चंपारण बिहार में है। ओके, बिहार में। देखिए चंपारण जो है यहाँ पे किसने इनको इनवाइट किया था, एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किसके इनविटेशन पे ये यहाँ पे आए थे गांधी जी, ये चलिए कमेंट में आप बताइए। ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार भी बीपीएससी में। नेक्स्ट है, पूना समझौता का क्या लक्ष्य था? पूना समझौता जो हुआ इसका क्या एम था, क्या लक्ष्य था? देखिए इसका सही जो आंसर है, चलिए एक एक करके सबसे पहले पढ़ता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता ये नहीं होगा। द्वैत शासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा, राजाओं की विशेषाधिकार, निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व। ये था मेन इसका मकसद पूना समझौता का। ओके, पूना पैक्ट। तो इसमें 30 नहीं बल्कि 20 ही प्रश्न आज सेलेक्ट किए गए थे, तो सॉरी इसके लिए 10 प्रश्न इसमें नहीं है। बाकी अगले वीडियो में मैं 30 से 40 प्रश्न इंक्लूड करूंगा, और अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें भी गांधी युग से, वो भी वीडियो हमारा गांधी युग से ही होगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, और कुछ और भी इसमें होना चाहिए कुछ भी इम्प्रूवमेंट तो बताइएगा, कमेंट में आप जरूर बताया कीजिए, आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी, जितना व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, फेसबुक ग्रुप जितना है उसमें इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।